हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेशन के कुछ प्रोसेस से डील किया था। आज हम उन्हीं प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिज्म को डील करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आदर फ्लोरा और फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो पिछली क्लासेस में हमने ये तीन तरह के रेस्पिरेशन देखे थे। एक हो रहा था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि ईस्ट में हो रहा था, और हमने बताया था कि जो ब्रेड, वाइन, बियर होते हैं वो इस प्रोसेस से प्रोड्यूस कराए जाते हैं। फिर हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात की थी, और वो कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वाज बीइंग रिलीज्ड। एंड थर्ड वाज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इन विच द प्रोसेस वाज टेकिंग प्लेस इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक्टिक एसिड एंड फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड। और उसके बाय प्रोडक्ट में हमने देखे थे कि जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा था। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन था, वहाँ पे वाटर रिलीज नहीं होता है। अगर पिछली क्लास में हमने गलती से H2O लिख दिया हो तो H2O को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज नहीं होता है। एंड इन द सेम वे ऑक्सीजन, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो, वहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी ही रिलीज होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कुछ प्रोसेस के बारे में जो रेस्पिरेशन में था। फर्स्ट हम देखते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, जब हम बता रहे थे आपको, तो न्यूट्रिशन में हमने आपको एक टर्म बताया था, स्टोमेटा। ये एक लीफ था, ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स थे, वो हम आज मेमोराइज नहीं करेंगे। हमें मतलब किससे, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ पर, व्हाट आर दीज पोर्स, दीज पोर्स आर स्टोमेटा। और न्यूट्रिशन में ही हमने आपको ये बता दिया था कि ये जो स्टोमेटा होता है, इट हैव द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट मींस दैट दिस इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। क्या ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है, प्लांट्स का है। ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल अपर्चर था, स्टोमेटल अपर्चर था, ये गार्ड सेल था। गार्ड सेल हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज गार्डेड बाय दिस गार्ड सेल। ये इसे कब ओपन होना है, इसे कब क्लोज होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये गार्ड सेल डिसाइड करेगा। ठीक है, और ये जब ओपन होता है तो ये जो जहाँ से कोई भी गैस एंटर करता है या कोई भी गैस एग्जिट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, विच इज़ फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। ये सर्फेस ऑफ द लीफ पर ही होता है। हाँ, अगर हम अब कुछ का कन्फ्यूजन ये होगा कि क्या प्लांट में सिर्फ लीफ ही रेस्पायर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, उसके रूट्स भी होते हैं, उसके शूट भी होते हैं, लीफ भी होता है एंड ऑल। तो लीफ पे तो हमने बता दिया कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पर ये जो पोर्स होते हैं यही स्टोमेटा होते हैं, और ये स्टोमेटा ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो रेस्पायर करता है। बट अगर एक प्लांट की ऐसे बात करें, देन वॉट अबाउट द ब्रांचेस, इस ब्रांच की अगर हम बात करें तो क्या ये रेस्पायर नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। कैसे रेस्पायर कर रहा होगा जब इस पर लीफ ही नहीं है, नहीं, इस ब्रांच के पास भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो भी स्टोमेटा होगा, नहीं, स्टोमेटा सिर्फ ग्रीन लीफ में होता है, स्टोमेटा इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ। तो ये पोर्स क्या है, ये लेंटी सेल्स है, पोर्स विच इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ इज नोन एज स्टोमेटा, एंड द पोर्स विच इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रांचेस और द वुडन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज लेंटिसेल। इसका क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो ठीक है, लीफ पे स्टोमेटा होते हैं, ब्रांचेस पे लेंटिसेल्स होते हैं, तो रूट में क्या होते होंगे, रूट तो ये ऐसे, ये अर्थ है और रूट जो है वो अंदर है। इट इज कॉमन कि इसके पास तो लेंटिसेल नहीं होते होंगे, तो क्या होते होंगे, ये फाइन्स जो हेयर होते हैं, ऐसे रूट्स के बहुत फाइन, बहुत ही डेलिकेट हेयर्स होते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हेयर्स क्या करते हैं, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, यही रेस्पायर करते हैं, और इन्हीं के थ्रू इस रूट को ऑक्सीजन मिलता है। अगर इसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी तो इन फाइन हेयर्स के ही थ्रू CO2 बाहर हो जाएगा। CO2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, कैसे, इन हेयर्स की वजह से। तो क्या देखा हमने,
प्लांट के जो लीफी सरफेस है उस पर क्या था, स्टोमेटा था, क्यों था, रेस्पायर करने के लिए। ब्रांच पे क्या था, लेंटिसेल था, स्मॉल पोर्स होते हैं ब्रांच पे, उन्हें हम क्या कर रहे थे, लेंटिसेल ही क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे जो स्टोमेटा कर रहा था। रूट में क्या था, फाइन हेयर्स थे, ये हेयर्स क्या कर रहे थे, वही कर रहा था जो स्टोमेटा और लेंटिसेल कर रहे थे। तो अब करते क्या है, रेस्पायर करने की बात आ रही है, तो रेस्पायर ही कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यूसली रेस्पायर करेंगे। तो न्यूट्रिशन में हमने एक फोटोसिंथेसिस की बात की थी, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बताया था कि प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया कि CO2 की ज़रूरत होती है और प्लांट, अरे सॉरी, वाटर की ज़रूरत होती है किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटो सिंथेसिस के लिए। अगर यही प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब इसी प्लांट को रेस्पायर भी करना है, तो रेस्पायर करना है तो क्या करेगा, O2 लेगा। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को एक साथ हम क्यों बता रहे हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को एक साथ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो सिर्फ हमारे वर्कआउट करने पे या मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता है कि हम अगर मूव कर रहे हैं, कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसका रेट जो होगा रेस्पिरेशन का वो बहुत हाई होगा, जो रेस्ट पे है उसका बहुत लो होगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे रेस्पिरेशन डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स मूवमेंट के अलावा क्या क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ O2। ये अगर CO2 का जो रेट है, सॉरी, अमाउंट ऑफ CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए तो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो CO2 सेंसिटिव होता है, वो CO2 के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होते ही रेस्पिरेशन का रेट लो होने लगेगा। ऑक्सीजन की बात करें, अच्छा, ऑक्सीजन जो इनिशियली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन था उससे हल्का सा भी इंक्रीज हुआ तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डाउन हो गया था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो प्रिंसिपली वो किस पे डिपेंड कर रहा था, अमाउंट ऑफ CO2 पे, द सेकेंडली अमाउंट ऑफ O2। तो अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो इन द डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो दिन के टाइम क्या हो रहा है, ये अपना खाना बना रहा है, खाना बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, CO2 चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो वाटर की भी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वो तो रूट ले लेगा, कैपिलरी वाटर। अभी हम गैसेस की बात कर रहे हैं, क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन से डील करना है, तो इन्हें CO2 चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो होगा क्या प्लांट में, ये जो रेस्पायर कर रहे होंगे O2, तो जब रेस्पिरेशन कर रहे होंगे तो लास्ट में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो तो CO2 होगा। जो बाई प्रोडक्ट बन रहा होगा रेस्पिरेशन में, प्लांट्स के रेस्पिरेशन में जो O2 रेस्पायर कर रहे होंगे और जो बाई प्रोडक्ट होगा वो हर ऑर्गेनिज्म में CO2 बनता है, तो इसमें भी CO2 बनेगा। अब ये CO2 वो एक्सपेल नहीं करेंगे, यही CO2 वो क्या करेंगे, खुद ही एब्जॉर्ब करेंगे, खुद ही इसको यूटिलाइज करेंगे, क्यों, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसका हम वाइस वर्सा देखेंगे, CO2 फोटोसिंथेसिस में क्या था, CO2 था, O2 था, सॉरी H2O था और CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर था। और यहाँ पर जब फूड बन रहा था हमारा, ग्लूकोज जब बन रहा था तो और क्या था, O2 भी था। फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट O2 था, तो ये O2 क्या करेगा, वापस से वो रेस्पायर करेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो O2 जो रिलीज कर रहा है वो पूरा का पूरा रेस्पायर कर लेगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ O2 क्या करता है, वो एटमोसफेयर में दे देता है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्लांट का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ CO2 एंड अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बट उन्हें एटमॉस्फेयर से कुछ क्यों नहीं लेना देना होता है, क्योंकि उन्हें वो खुद ही O2 जनरेट कर रहे होते हैं, खुद ही O2 को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, खुद ही CO2 जनरेट करते हैं और खुद ही CO2 यूटिलाइज करते हैं, CO2 को फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करते हैं और O2 को रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये बात थी डे टाइम की, जब वो दिन में था, तो दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन रहेगा और इसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती रहेगी वो ऐसा लेता रहेगा। रात की बात करते हैं, रात में क्या होगा, लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, बट इसे रेस्पायर तो करना है, फोटोसिंथेसिस वो डे टाइम में करेगा लेकिन प्लांट को रेस्पायर तो अभी भी करना है। तो उसके दो फेनोमेना होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है,
कि गार्ड सेल क्या करेगा, अपने आप को क्लोज कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम अपना ऑटो अब रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऑटो की कमी होने वाली है, तो ये अपना गार्ड सेल क्लोज कर लेगा। क्यों क्लोज कर लेगा? ताकि जो एक्स्ट्रा ऑटो जो रिलीज़ हो रहा था या बाहर जा रहा था, अब वो ऑटो उसी के पास रहे। ऑटो जो एक्स्ट्रा बाहर हो रहा था, ऑक्सीजन जो बाहर जा रहा था प्लांट से, अब वो अपने पास रखना चाहेगा, क्योंकि उसे रात भर रेस्पायर करना है। खाने की बात थी तो वो दिन भर खाना बनाया, ठीक है, लेकिन रेस्पायर उसे रात में करना है, खाना रात में नहीं बन रहा है। जब खाना नहीं बन रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन उसके पास है उसको वो सेव करके रखेगा। सेकेंडली, कि अगर कमी होती है तो बाहर से ऑक्सीजन लेगा, एटमोसफियर से लेगा, तो जब एटमोसफियर से ऑक्सीजन ले रहा होगा तो ये स्लाइटली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमेटा का प्रिंसिपल फंक्शन क्या था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का, वो ये था कि इट इज़ ओपन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन ओपन और क्लोज करता है? गार्ड सेल करता है। तो डे टाइम में ये ओपन रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसे लेना रहता है और देना रहता है। रात के टाइम उसे पता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, तो ये अपना स्टोमेटा का जो अपर्चर है इसे बंद कर लेता है, बंद कर लेता है। ऊपर से वो एटमोसफियर से ही ऑक्सीजन ले रहा होता है। यही रीज़न है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं या गांव के जो लोग होते हैं, वो यूजली क्या कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए या पेड़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए रात में। क्यों नहीं करना चाहिए? अभी अभी हमने बताया कि मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी रेट। अगर इस प्लांट को हम ज़ोर से हिला देंगे तो वो भी मोशन में आ जाएगा। उससे जैसे हम ह्यूमन बीइंग रेस्पायर करते हैं, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, इस प्लांट का भी रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा। अब वो अगर अपना स्टोर्ड ऑटो को अब्जॉर्ब कर ले या पूरा यूटिलाइज कर ले, तो एक्स्ट्रा ऑटो कहाँ से लाएगा? एटमोसफियर से लेकर आएगा, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा कि एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन हम ले रहे थे, अब वो ये भी शेयर कर रहा है। जो ऑक्सीजन हम रेस्पायर कर रहे हैं एटमोसफियर से, वही ऑक्सीजन ये भी ले रहा है, वही शेयर कर रहा है। तो अब क्या होने वाली है हमारे लिए? ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। और इसी वजह से कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या पेड़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कब? नाइट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, या ऑक्सीजन जो होता है वो लिमिटेड होता है। इस वजह से ये स्टोमेटा रात में क्लोज रहता है, क्योंकि इसे अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करना है, फोटोसिंथेसिस नहीं होना है, और ऑक्सीजन जो है उसे वो लिमिटेडली लेना है, उसे बहुत सोच समझ कर ऑक्सीजन को लेना है, क्योंकि वो भी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये सारा जो फेनोमेना था, ये क्या था? प्लांट्स में था। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि प्लांट जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, वो ये दो पैरामीटर को देखकर, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या है, और वो उसी के अकॉर्डिंग रेस्पायर करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है स्टोमेटल अपर्चर ओपन होता है और क्लोज होता है। ये बात थी प्लांट्स की, कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था। और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन तो यही होगा, रिएक्शन हमेशा यही होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस के बाद बाकी सारा चेन रिएक्शन होगा, ये प्लांट्स में होगा। लेकिन रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा? स्टोमेटा में होगा। कैसे होगा? ऑक्सीजन ऑफ गैसेस के थ्रू। अब हम बाकी के ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, प्लांट्स को छोड़कर, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स में हमने रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या देखा था? स्टोमेटा देखा था, लेंटिसेल्स देखे थे और रूट हेयर्स देखे थे। वैसे ही अब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स को देखने से पहले। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो जितना प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग वाटर में, अगर ये एक वाटर बॉडी हम ले लें और ये एटमॉस्फेयर ले लें, तो यहाँ पर जितना ऑक्सीजन होगा, यहाँ का ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में है, यहाँ पर हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पर भी बाकी सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बट इन द स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ऑक्सीजन यहाँ पर रिस्पायर कर रहे हैं वो हम प्योरली ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो ब्रीथ करते हैं वो प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, बट इन वाटर क्या होता है, ये ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बबल बन के घूम रहा है ऑक्सीजन, तो एक एक ऑक्सीजन लेते जाओ, ऐसा नहीं होता है। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक फ़िश ले लेते हैं, ठीक है। अब ये फ़िश क्या करेगा? क्योंकि ये वाटर जो है वो तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में है। जब ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में है, तो हमने बताया था पिछली क्लास, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था
कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की जैसे जैसे कमी होने लगेगी हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन वाटर में है। तो फिशेस क्या करेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो कंटिन्यूसली ब्रीथ करेंगे। हमारे पास एक फेनोमेना कह लें या हमारे पास एक कैपेसिटी होती है कि कुछ देर के लिए हम अपने ब्रीदिंग को रोक के रख सकते हैं, टिल 30 to 40 seconds। इतनी देर तक हम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम अपने ब्रीथ रेट को रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं। बट फिशेज में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये अपने माउथ से कंटिन्यूसली वाटर को अंदर ले रहे होते हैं, कंटिन्यूसली एक वाटर साइकिल होता है। यस, अगर ये फिंस बात करें, यहाँ पे गिल्स हैं, तो कंटिन्यूसली वाटर ऐसे एंटर होता रहता है, बाहर निकल। हम कर रहे थे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। आज हमने रेस्पिरेशन में देखा कि प्लांट के रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म क्या था और चेन कौन सा फॉलो हो रहा था। फिर हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात की जिसमें हम फिश से डील कर रहे थे, एंड दैट वॉज नॉट ओनली फॉर द फिश, वो कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो उसका फेनोमेना, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वही होता है। अगली क्लास में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन से डील करेंगे। थैंक यू।